जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वैकेंसी आई है, कल इसका नोटिफिकेशन आया था। 39,826 पोस्ट के लिए ये बम्पर वैकेंसी आई हुई है, ये परमानेंट वैकेंसी है। इसका फॉर्म कल 2 तारीख से चालू हो गया था और आगे 5 जून तक इसका फॉर्म भरा जाना है। तो फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका नोटिफिकेशन क्या है, इसकी कहां से कितनी स्टेट वाइज क्या क्या वैकेंसी कहां कहां से कितनी निकली है, उन सभी बातों पर हम पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कट ऑफ क्या रहने वाली है या फिर इसका काम क्या होता है, इससे ऑलरेडी इससे पहले वीडियोज़ दिए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म को भरना कैसे है, किस किस चीज़ को, कौन कौन सी जो मेन चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरना है, जिससे गलती ना हो। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जो 2019 और 2020 में और 21 में वैकेंसी आई थी जीडीएस की, उसमें क्या था, कुछ बच्चों ने गलत फॉर्म भर दिया था। गलत फॉर्म भरने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जबकि उनके नंबर अच्छे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इन सब बातों पर बिल्कुल अच्छे से फॉर्म को भरते टाइम बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि देखिए यहां पर दिया गया है स्टार्ट डेट देखिए कब से हो रहा है, 2 तारीख से, 2 मई से स्टार्ट हो रहा है और इसका 5 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन की, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन और दूसरा लिखा है सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड, मतलब किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है वो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा वो आपका इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। अगर आप लोग को इंग्लिश में नोटिफिकेशन समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसका हिंदी में भी नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहाँ पर आप जाके तीनों नोटिफिकेशन, आपकी डिटेल, स्टेट वाइज जितनी वैकेंसी है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, और उसके बाद आपको डिटेल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम पर एसएम स्टडी गुरु सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अथवा अगर आप नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन हो उनका लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल पर आप एसएम स्टडी गुरु GURU सर्च करके आप यहाँ पर चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर 23 स्टेट में यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन लाइव सर्किल्स। देखिए सबसे पहले अगर आपको बात करनी है यहाँ पर यूपी, अगर हम यूपी की बात करें तो देखिए हम यूपी में क्लिक करेंगे देखिए आगे बढ़ता है। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ गया है। जितने भी यूपी में, जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ से आपको सब देखने को मिल जाएगी। यहाँ से देखिए टोटल नीचे आपको जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ जहाँ से जितनी वैकेंसी निकली हैं, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए आगरा से कितनी वैकेंसी है, देखिए आगरा पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए यूआर की, जनरल की 12, ओबीसी की आपको देखने को मिल रही 5, एससी की 5 और EWS की 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से आप जिसकी भी देखना चाहते हैं आप इजीली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एटा की देखनी है, तो एटा की देखने के लिए देखिए यूआर की 14, ओबीसी की 7, एससी की 6। आप इससे पहले यहाँ से आप बैक कर दीजिए इस वाली बटन पर, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी और स्टेट की देखना चाहते हैं तो वहाँ पर उस स्टेट को क्लिक करेंगे। उसके बाद उसकी सब डिस्ट्रिक्ट, जितनी जोन से डिस्ट्रिक्ट की आप देखना चाहते हैं, वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को ईजिली देख सकते हैं। अब देखिए आपको फॉर्म तीन स्टेप में भरना है। Step 1 यहाँ पर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, Step 2 हो जाएगा फी पेमेंट, Step 3 हो जाएगा अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। Stage 1 में देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है उसको एक बार यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, जब Stage 1 रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया तो वहाँ पर देखते हैं क्या सबसे पहले इंटरफेस क्या खुल के आ रहा है यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखें, यहाँ सबसे पहले इंटरफेस खुल के आ रहा है, प्लीज़ गो थ्रू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एट द होम पेज बिफोर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बोल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले होम पेज पर जाकर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि आप किस लेवल के, तो सबसे पहले आप ईजिली आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन में आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज़ नोट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। देखिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है, 1 कैंडिडेट शुड यूज़ ओनली 1 रजिस्ट्रेशन, एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए जब रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट कर लीजिए,
कीप इट सेफ फॉर फर्दर रेफरेंस, मतलब आगे जो अभी आगे जो भी आपकी डिटेल्स भरी जाएंगी वो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भरी जाएंगी। बोला वन मोबाइल नंबर विद ओनली वन, मतलब एक मोबाइल नंबर सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नहीं कि आपने इस मोबाइल एक ही मोबाइल नंबर से एक और रजिस्ट्रेशन कर दिया, दूसरा रजिस्ट्रेशन भी उसी मोबाइल नंबर से कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग का जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक मोबाइल नंबर से सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दी गई है, अगर फॉरगेट, अगर आप भूल चुके हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या था। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डिटेल मांगी जा रही हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर, आपके पास ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो परमानेंट हो। एक ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपके पास ही हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो दो मिनट का काम है, आप अपनी ईमेल आईडी जनरेट कर लीजिए, किसी दूसरे की आईडी नहीं डालनी है, क्योंकि जो भी आगे आपको जानकारी मिलने जाएगी, जो भी आपको आगे जानकारी दी जाएगी वो आपको मेल के द्वारा दी जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी खुद की आईडी बना लें, उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप वैलिडेट करेंगे, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे तो मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे और वहाँ पर ओटीपी आएगा, उसको भी यहाँ पर आपको डालना रहेगा, तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या मांग रहा है, उसके बाद मांग रहा है एप्लीकेंट नंबर नेम, एप्लीकेंट नेम, आपका जो एप्लीकेंट नेम है, आपका जो नाम है वो आपको यहाँ डालना है। देखिए किस बेसिस पे डालना है, एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है, 10वीं जो पास किए थे उसमें जो सर्टिफिकेट मिला था, यानी कि सनद बोलते हैं, जिसको सनद मिली थी आपको, उसमें आपका जो नाम है, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब आपको उसी के अकॉर्डिंग डालना है। ऐसा नहीं है आपके आधार कार्ड पे कुछ और नाम है आप वो डाल दें, आपके जो 10th की मार्कशीट, 10th की जो सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम था वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका नाम, आपके पापा का नाम वही डालना है जो आपकी सनद पे था, आपके सर्टिफिकेट पे था, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट पर है। ये तीनों चीज़ बहुत ही ध्यान रखना है, अगर आपने इन तीनों में गलती कर दी तो आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट हो जाएगा। आपके नंबर चाहे जितने भी हों आप, लेकिन आप वहाँ पर वैलिडेट नहीं काउंट किए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर में देखिए क्या जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, नीचे कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है कि यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, आप इसमें से किसमें से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए आप जो 10th की पास किए हैं वो किस सर्कल से पास किए हैं, यानी कि किस स्टेट से पास किए हैं, तो आपको स्टेट भरना है, आप जिस स्टेट से हो वहाँ पर आप स्टेट भर दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने 10th को पास किया है, तो वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और नीचे यहाँ से देखिए जब हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला था तो जब ओटीपी आएगी उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओटीपी जब सबमिट कर देंगे तो लिख के आएगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, वैलिडेट सक्सेसफुली। उसी के बाद ऐसे ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा, जब ईमेल आईडी की ओटीपी यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो लिख के आएगा ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली। इस टाइप से आप पूरा फॉर्म फिल करके नीचे कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, फिर देखिए आपके पास क्या नया इंटरफेस खुल के आएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो ऊपर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का लिंक दिया हो गया है, वहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन अभी आपको दिखा देंगे, अगर आपको नहीं मिला है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ऊपर जो आपने डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है ऊपर, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये सारी डिटेल फिल्ड है, इसके ऊपर फिल है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए फिर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है आपका। बोला आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि कोई आपको दिक्कत है किसी तरीके की, आप विकलांग है या फिर कुछ और है, तो या अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज स्टडीज इन 10th क्लास, तो कौन सी है लैंग्वेज आपने पढ़ी है 10th क्लास में, हिंदी, इंग्लिश, बोडो, कन्नड़, कोंकणी, मलयालमी, जो आपने पढ़ी है। अगर आपने हिंदी पढ़ी तो यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करके ओके बटन क्लिक पर क्लिक करना है। उसके बाद देख लीजिए क्या पूछ रहा है, वेदर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड और सेम एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको फोटो, फोटो जो भी आपकी जानी है वो जेपीजी फॉर्मेट में जानी है और 50KB से फोटो जो होगी आपकी वो छोटी होनी चाहिए, और आपको जो सिग्नेचर है सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20KB से आपका सिग्नेचर छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे या सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर इस जगह पर आई हेयर वाई डिक्लेयर दैट, इस जगह पर जो आपको कॉलम दे रखा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस टाइप से देखिए क्लिक हो जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देंगे, आपका ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे, फाइनल फी सबमिशन करेंगे, यहाँ पर देखते हैं जब ये फर्स्ट सबमिट स्टेज जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए क्या यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टेज वन का जैसे सबमिशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसके बाद देखिए आपको फाइनल प्रिंट आपको इस टाइप से निकल के आएगा। यहाँ पर आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपकी पूरी डिटेल इस तरीके से फिल की गई है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है,
यहाँ पर दिया गया है बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ऑफ स्टडीज 10th, जिसमें आपने 10th में अगर आपने हिंदी, मैंने हिंदी चूज़ किया था, हिंदी चूज़ किया था, तो यहाँ पर देखिए आप किस किस राज्य से बनने के लिए आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, J&K, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इन आप राज्यों से फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक राज्य में से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हम लोग यहाँ पर फीस पेमेंट की तरफ चलेंगे। हमने जो कि SC से फॉर्म जिस भी कैंडिडेट का भरा है वो SC है, तो उसका जो फ़ी होगा वो वहाँ पर नहीं लगेगा, तब भी हम लोग फी कैंडिडेट उस प्रस्टर पर चलते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ देखिए स्टेज 2 पर जब हम लोगों ने क्लिक किया, फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पर आए, यहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं तो नीचे देखिए क्या लग के आ रहा है यहाँ पर, फी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST और फीमेल और ट्रांस वूमेन और PH कैंडिडेट। इनके लिए, जिसके लिए भी SC ST के लिए नहीं लगनी है फी में, फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं लगनी है, ट्रांस वूमेन के लिए फ़ीस नहीं लगनी है और PH कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं लगनी है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई फ़ीस नहीं लगनी है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट था वो था SC से, तो उसकी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। तो फिर हम सीधे Part 3 यानी कि Stage 3 पर चलते हैं और फॉर्म को कम्प्लीट करते हैं। अगर आप लोग EWS जनरल या फिर OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो आप जैसे ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपको जिस तरीके से जो भी आपको मोड ऑफ पेमेंट होगा आप करेंगे, उसका नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको जो भी फीस सबमिट होगी वो वहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। फिर आपको नेक्स्ट 3rd स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि 3rd स्टेज पर कैसे फॉर्म को फिल करना है। ये देखिए हम लोग यहाँ पर मेन वेबसाइट पर हैं, indiapost.gds.online.in। यहाँ पर देखिए Stage 1 रजिस्ट्रेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, फ़ी पेमेंट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं, Stage 3 अप्लाई ऑनलाइन। अब जैसे ही देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अप्लाई के पर बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए क्या इंटरफेस खुल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपके पास 4 अब यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा चूज प्रेफरेंसेस और फिर आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा यहाँ पर वेरीफिकेशन जो करेंगे डिटेल्स का, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सर्किल फॉर अप्लाई, किस सर्किल से हमको अप्लाई करना है, फिर यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। तो देखिए सबमिट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंटरफेस खुल के आ रहा है। यहाँ से देखिए जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया तुरंत ही आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है, नीचे दिए गए कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और फिर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं यहाँ पर आपका देखिए जैसे ही आप वहाँ सबमिट करेंगे फिर नया इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो नीचे देखिए यहाँ पर आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब आप यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसे देखिए पहले ऑलरेडी आपका सबमिट रहेगा, जेंडर, कम्युनिटी और ऊपर आपका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे अपना, उसके बाद स्ट्रीट, विलेज, पंचायत, फिर पिन कोड डालेंगे। अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस जगह पर क्लिक कर देंगे तो जो इधर एड्रेस होगा वही सेम एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या डालेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे बोर्ड, तो यहाँ सर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपका बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आपका UP बोर्ड है तो यहाँ पर UP बोर्ड डालेंगे इलाहाबाद। उसके बाद देखिए नीचे क्या डालेंगे, सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो रिजल्ट देखिए किस में आया था, रिजल्ट आया था मार्क्स में। अब आपको हर सब्जेक्ट का, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे उसके मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे, तो वहाँ पर मार्क डालेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं नया इंटरफेस आपके सामने क्या खुल कर आता है। पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट इंटरफेस की आपकी तरफ लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिर आपने 6 सब्जेक्ट में आपके जो 6 सब्जेक्ट में मार्क्स थे आपने वहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक किया होगा, फिर आपके आएगा अगला ऑप्शन आपके आएगा चूज़ प्रेफरेंस का। तो प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कैसे प्रेफरेंस को चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख के आ रहा है सर्किल अप्लाइंग फॉर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट डिवीज़न, तो किस डिवीज़न के लिए आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग डिवीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं। डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने कर लिया लखनऊ, तो यहाँ पर देखिए लखनऊ कहाँ पर है, लखनऊ यहाँ पर है, उसका देखिए लखनऊ हो गया। फिर देखिए नीचे लखनऊ के सब डिवीज़न आपके सामने आ गए कि लगे किस किस वैकेंसी यहाँ पर देखिए क्या क्या है, GDS की यहाँ पर, ABPM की है, डाक सेवक की है, तो आपको प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप देंगे BPM को, फिर देंगे ABPM को और फिर देंगे डाक सेवक को। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम प्रेफरेंस दे रहे हैं BPM को, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर, इस जगह पर लिख देंगे 1, फिर देखिए हमें फिर किस पर देना है प्रेफरेंस, फिर देना है, फिर देखिए नीचे कहीं BPM है, BPM यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो फिर हम ABPM को प्रेफरेंस देंगे, ABPM को यहाँ 2 लिख देंगे। इसी तरीके से हमको प्रेफरेंस दे देना है, इसको 3 लिख देंगे,
इसी तरीके से हम लोग प्रेफरेंस देते जाएंगे, इसी प्रेफरेंस के आधार पर आपको हमको मिलने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया लखनऊ, यहाँ पर देखिए लखनऊ दिया गया, लखनऊ में किस, यहाँ पर बिजनौर में है, यहाँ में, यहाँ पर देखिए जिस जगह पर है उस जगह का आगे नाम दे रखा है, लखनऊ अर्जुनगंज, लखनऊ अलीगंज, लखनऊ ऐसबाग, सब जगह पर यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग उसी प्रेफरेंस के आधार पर अपना प्रेफरेंस जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आपको प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस देने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए सर्किल हो गया, फिर यहाँ पर आई हेयर वाई डिक्लेयर पर क्लिक करना है। इस जगह पर, इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर क्लिक करने के बाद आप नीचे सेव एंड प्रिंट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड प्रिंट करेंगे फिर आपका जो फॉर्म होगा यहाँ पर देखते हैं, फिर देखिए जैसे ही आप सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका लिख के आ जाएगा और योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। फिर आप लोग वहाँ से नीचे जाकर आप लोग यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका चौथे नंबर पर, यहाँ आ जाएगा देखिए इस जगह पर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह पर आपका लिख के आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन। यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग प्रिंट करके उसको आप एक हार्ड कॉपी उसकी एक जरूर निकाल लें और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपने ईमेल आईडी पर डाल लें। अगर आपको किसी भी तरीके का और कोई डाउट बच रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।